पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सभा सुसाइटियां अते संगतां दे सहयोग नाल श्री अकाल तख्त साहिब तों नगर कीर्तन सजाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी छत्रछाया हेठ अते पंच प्यारियां दी अगवाई च सजाए इस नगर कीर्तन मौके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन स्वरूपां ते चोर साहिब दी सेवा निभाई है अते नगर कीर्तन दौरान संगतां दे गुरु जस उच्चारण करदे श्रद्धा भावना प्रगटाया गया। नगर कीर्तन दे रस्ते च संगतां ने चाह मिठाइयां फ्रूट आदि लंगरां राहीं सेवा कीती है। इसे दौरान बैंड पार्टियां शब्द चौंकी जत्थे गतका पार्टियां ने पूरे उत्साह नाल नगर कीर्तन की शमूलियत की है। तुहानू दस दईए 3 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। इसे तहत वक् वक् शहरां तों विशाल नगर कीर्तन कढ़े जा रहे ने। मेरा नाम गणेश प्रताप सिंह है और मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। जी, पहले तो मैं सभी समस्त देशवासियों को गुरु नानक प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं सभी को। और मैं यहां आज इस शुभ अवसर पर यहां पर मत्था टेकने बाबा जी के द्वार आया था। और यहां पे आप सब देख सकते हैं कितनी अच्छी रौनक है प्रकाश पर्व के लिए और कितनी अच्छी सारी सब सजावट और सारा बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर तो पूरे समस्त देश में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर समाज का हर उसका लोग व्यक्ति इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और मैं सभी को इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप अंदर देखिए, बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्थाएं, सुंदर झांकियां और बहुत अच्छी सारी सजावट की गई है यहाँ गोल्डन टेम्पल में। आप इस बार पहली बार आए हो कि आप पहले भी कभी? नहीं, मैं थर्ड टाइम आया हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं परिवार के साथ आया था और बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के। मेरा नाम वरिंदर सिंह है जी, अंबरसर साहब तो ये लोकल ही है जी। गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब है जी, उसके संबंध में जो नगर कीर्तन निकल रहा है ते सारी साध संगत सब तो पहला लख लख बधाई होवे। गुरु नानक साहब ने अवतार धारिया ते दुनिया का भला करने वास्ते दुनिया से आए, सच का उपदेश दिता। महाराज ने दसा नौ की किरत बख्शी है सारे संसार नूं ते सानू उन्हां दे उपदेश से चलना चाहिए वै ते उन्हां दीआं जिहड़ीआं सिख्यावां ने वह मनिया चाहिए ने। नाम जपना, वंड छकना, किरत करनी, धर्म की किरत करनी, चंगे काम करने चाहिए है। तो यही है जी। बहुत वधिया जी, सब बहुत चढ़ती कला चा, संगत बहुत आनंद लै रही है, टूरिस्ट बड़ा आ रहे हैं ते आप मीडिया पत्रकार वीर भी बहुत सेवा कर रहे हो ते बाकी सब जानते ही है जो चल रहा है। गुरु नानक साहब ने बिल्कुल सही, वीर जी ने सही सवाल किया है। गुरु नानक साहब ने जरा ना इस चीज़ तो सू शुरू तो वर्जिया है। महाराज ने कहा मानस की जात सभी एक पहचान हो। उन्होंने इस चीज़ तो उपर उठना सू संदेश दिता है कि जी अज फिर अं हिंदू सिख इन्होंने चक्कर से फसे हैं। महाराज ने कहा ना मैं हिंदू, ना हम हिंदू, ना हिंदू, ना हिंदू तो ना मैं मुसलमान हाँ। सब तो पहला चंगा बंदा होवे जो चंगे काम करता है, चंगा बंदा बने चंगा ना कि अं कोई हिंदू बनना या मुसलमान बनना, चंगे काम करने चाहिए है।